subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. और चलिए वक्त हो गया SME पर हमारी खास पेशकश SME कॉर्नर का. और सबसे पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, देख लीजिए किस तरह का कामकाज वहां पे हो रहा है. ब्रॉडर मार्केट्स फ्लैट है और SME IPO इंडेक्स भी आपको एकदम फ्लैट नोट पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा. महज 2 पॉइंट की कमजोरी 1772 के लेवल. बढ़ने वाले शेयर्स आज कौन से हैं? बीटा ड्रग 7.5% का उछाल. मध्य प्रदेश टुडे मीडिया ये बार बार फीचर कर रहा है आजकल ये स्टॉक. 10% की मजबूती. मैक पावर CNC मशीन 6% ऊपर. और सिली मॉन्क्स एंटरटेनमेंट 10.5% की मजबूती के साथ हो रहा है इसमें कामकाज. दबाव है एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस में 6.5% की कमजोरी. 1.1 सॉल्यूशंस आज 17-18% करेक्ट हो गया है. KKV एग्रो पावर्स में 22-22% का दबाव. और सुप्रीम इंडिया इंपेक्स भी 10% की कमजोरी के साथ 29.70 रुपए पे समय कामकाज करता हुआ. और आज SME कॉर्नर में हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे और उसमें मदद करने के लिए जॉइंट रे कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश गोराक्षकर साहब जुड़ते हुए जो आपकी मदद करेंगे. अविनाश जी स्वागत है SNBC आवाज पर आपका. और कॉलर जो है एक जो हमने सिलेक्ट करा है वो दिल्ली से जगदीश प्रसाद साहब अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं. जगदीश जी गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें. नमस्कार लोकी. नमस्कार सर. सर मेरा तो है कि ये जो शेयर्स लिए थे 5 करोड़ लिए थे 1600 शेयर और मेरा कंसर्न थोड़ा सा अभी ये है कि जैसे कल भी सेंसेक्स हाई था टॉप पे और शेयर्स में कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही, तो क्या आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ वैसे. लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा, ये आपने आईपीओ के समय पैसा डाल दिया था सर? आईपीओ आने के बाद. आईपीओ मार्केट से लिया था. मार्केट. मैं सबसे पूछता हूँ जो SME में आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, आप लोग क्या आप भी क्या एक्टिवली जगदीश जी SME में पैसा लगाते हैं, मॉनिटर करते हैं SME मॉनिटर करते हैं, पढ़ते हैं, अपना होमवर्क करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खुद ही. अरे वाह, तो साउथ वेस्ट पिनेकल आपको फंडामेंटली अच्छी लगी थी इसलिए आपने इसमें निवेश करा? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में दिख रहा था थोड़ा ऑयल एंड गैस में और थोड़ा अलग सी डिफरेंट सा सेक्टर लग रहा था क्योंकि ज्यादा कंपनियां नहीं थी उस सेक्टर में, तो थोड़ा लगा कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते रहते हैं जो ऑयल एंड सेक्टर खास करके MSME के लिए आ रही है उसके एंगल से काफी देख के होमवर्क किया था. तो होमवर्क किया हुआ है, कॉन्फिडेंस है तो फिर ज्यादा घबराने का नहीं. लेकिन हाँ ये बात सही है कि आपने 78 पे लगा दिया था और 60 के नीचे मेरे ख्याल से स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है. नहीं चलिए वो प्राइस डाउन इशू नहीं है, कंसर्न सिर्फ क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिया हुआ तो कोई सेल का तो प्लान है ही नहीं. थोड़ा ये था कि सेंसेक्स जिस हिसाब से चल रहा है, मार्केट चल रही है, सेंटीमेंट अच्छे है, उस एंगल से थोड़ा सा लग रहा था. क्या आप? नहीं तो बिल्कुल वाजिब सवाल है, हमारा कैलकुलेशन भी बड़ा हो सकता है, तो जान लेते हैं. अविनाश गोराक्षकर साहब जुड़ते हुए. अविनाश जी बताएं सर, साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन इनकी बाइंग हुई है 78 के लेवल्स पर, 5 लॉट हैं इनके पास. अरे स्टॉक थोड़ा गिर रहा है, घबराने की जरूरत तो नहीं है? फंडामेंटली कंपनी कैसी है, क्या कॉल होगा इस पर? नहीं मेरे ख्याल से आशीष ये कंपनी फंडामेंटली साउंड कंपनी है और कंपनी जैसे इन्वेस्टर ने कहा ये ऑयल एंड ऑयल यू नो ड्रिलिंग स्पेस में एक वेल नोन ऑपरेटर है. इनफैक्ट इनका बिजनेस अगर हम देखें तो काफी बड़े कंपनीज के साथ इनका यू नो टाई अप है. इनफैक्ट कस्टमर्स जैसे रिलायंस है, ONGC है और टाटा स्टील है, तो इनके पास काफी अच्छी एनकरेजिंग ऑर्डर बुक भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके 44 रिग्स अभी अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि झारखंड, आंध्रा, तमिलनाडु, राजस्थान. अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस साल दैट इज FY18 के लिए करीबन 82 करोड़ का टॉप लाइन और करीबन 27 करोड़ का EBITDA कंपनी ने रिकॉर्ड किया है जो पिछले एक साल के EBITDA के हिसाब से काफी अच्छा है. करीबन 21 करोड़ का EBITDA पिछले साल था और इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छी तरह से बढ़ा है. करीबन यू नो 9 करोड़ का ऊपर प्रॉफिट आया है जो 14 करोड़ की इक्विटी पे अच्छी अर्निंग और अच्छी विजिबिलिटी आगे भी देने की क्षमता रखता है. हमको लग रहा है कि जिस बिजनेस में ये कंपनी है ये ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे निर्भर है. ऑयल के प्राइसेस लगातार हमको लग रहा है कि आने वाले यू नो एटलीस्ट 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए एक रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन ऊपरी लेवल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यूसली रहेगा क्योंकि डेफिनेटली अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो जो रिक्स के रेट्स इनको मिलते हैं वो डेफिनेटली अच्छे होंगे और ये काफी ऑयल रिलेटेड एनालिटिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है क्योंकि ये SME कंपनीज है, प्रॉफिट इतनी बड़ी नहीं है अगर हम कंपेयर करें कोई दूसरे यू नो में, बट डेफिनेटली बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग
मार्जिन पिक्चर अभी इन्होंने रिकॉर्ड किया है, आगे अच्छा होगा ऐसा यू नो मुझे लग रहा है। तो इनकी बाइंग होल्ड करें, हाँ, तो जब फंडामेंटली पसंद आ रहा है तो इनकी बाइंग 78 की है, इन लेवल्स पे एवरेज करूं या रखे रहूं बस, वो ज्यादा बेहतर रणनीति है। नहीं, इनका अगर नजरिया डेढ़ दो साल का है आशीष, तो मुझे लग रहा है कि इनको एवरेज भी करना चाहिए और मेरे ख्याल से एक डेढ़ से दो साल में इनको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। हालांकि ये कहना मुश्किल है कितनी टारगेट प्राइस होगी, लेकिन जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहे हैं हमको लग रहा है डेफिनेटली आगे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अट्रैक्टिव। तो जगदीश जी, फंडामेंटली कंपनी अच्छी, घबराने की जरूरत नहीं। और अविनाश जी, आपके पीछे मुझे गाड़ियों के हॉर्न वगैरह की आवाजें आ रही है, बंद बंद का ज्यादा असर तो नहीं है ना बाहर? नहीं नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो रहा साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन। जगदीश जी, उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेरी को बखूबी सॉल्व करने की कोशिश हमने करी थी, तो आपको थी आपको सही एडवाइस मिल गई होगी। जाते जाते क्विकली मैं एसएमई कॉर्नर में बताना चाहता हूँ कि उशांति कलर, जिसको मैंने कल भी हाईलाइट करा था, आज बंद होने का दिन है इशू का, तो इसलिए क्विकली हाईलाइट कर रहा हूँ। अब तक पूरा तो भर गया है, दो गुना सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है मुझे। 57 से 60 रुपीज की इशू प्राइस, एनएससी इमर्ज पर इसकी लिस्टिंग होनी है, उस प्लेटफॉर्म का ये शेयर है और मार्केट लॉट है 2000 शेयरों का। ऊपर स्क्रीन्स पे फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, मैं अपना जो एसएमई का स्टॉक लिया हुआ है, सवाल पूछना है तो भेज दें, एक्सपर्ट्स को जोड़ने की कोशिश करूंगा इसी सेगमेंट में आगे भी। और आपकी